कैसे बनाया था गल? ये लोन पे यू विल शिफ्ट हियर, ठीक है, एंड दिस पाई बॉन्ड विल मूव आउटवर्ड्स, ओके, सो यू विल गेट द स्ट्रक्चर लाइक दिस। हियर यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। देखो, कोई भी आप प्लस आर वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, कोई भी, तो ऑलवेज आपको एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। देखो कल का स्ट्रक्चर देखो, देखो कल वाले बनाए थे, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा हर बारी। अब हम ये मूव करेंगे इनसाइड, अगेन इट विल मूव आउटसाइड, तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। Isn't it? Blank, blank। आज सामने आ जाइए, इधर आ जाइए। म्यांक इधर आया। ये लोन पे है, ये दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएंगे, ये अंदर इलेक्ट्रॉन देंगे, ये वाला। यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये दो इलेक्ट्रॉन, दिस टू इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए, तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ है? टू, इजंट इट? अगर ये टू इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करे, अब जैसे कार्बोनेट में क्या करते हो आप, ये हो नेगेटिव होता है, ये भी हो नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ओ करते हो ना, तो यहाँ टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उठ के यहाँ चले जाते हैं और इसको आगे शिफ्ट करते हो आप, यही करते हो। इन द सेम वे ये टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और यहाँ पे क्या बनाया? बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाया। कार्बन की वैलेंसी क्या है? फोर, तो वन टू थ्री फोर ऑलरेडी है। जब आप एक और बॉन्ड बनाओगे तो कितनी बनती है? फाइव। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो बाहर आ जाएगा, जहां पे ये लाइन खत्म हो रही है ना, वहां ही बाहर आएगा। समझ आ रही है? ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, टू इलेक्ट्रॉन्स, ये बाहर आ गया, अब ये फिर से अंदर जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड आ गया, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर से बाहर आएगा, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया। हाँ जी, रेजोनेंस का मतलब क्या बेटे? रेजोनेंस का मतलब है वो एक जगह पे रहते नहीं है, आपके एक बॉन्डिंग है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स की बॉन्डिंग है, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर जाएगी, यही तो रेजोनेंस है, डीलोकलाइजेशन। कौन सा एच वाला? एच कहाँ है? एच तो है ही अपनी जगह पे। ये जो दो इलेक्ट्रॉन बाहर भेजे हैं आपने पाई बॉन्ड के, अरे बेटे कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बन गए, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। आप ये क्या कर रहे हो? इसको भेज रहे हो, इसको बाहर निकालो, तो यहां नेगेटिव नहीं दिखाते आप? बेटे रेजोनेटिंग जो है, फिनॉल है, उसमें रेजोनेंस चल रही है, वो रुक नहीं रही है, पर स्टेबल स्ट्रक्चर उसका यही है। ये स्ट्रक्चर, ये थोड़ी देर के लिए बनते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस स्ट्रक्चर पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, कर पाती है नहीं,
कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो स्टेबल स्ट्रक्चर तो यही है, पर थोड़ी देर के लिए क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा है तो ये अंदर देती है रिंग के, दैट इज व्हाई देयर इज डीलोकलाइजेशन। जब कोई एक्स्ट्रा चीज होती है, और इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसको कहा जाता है? जब आप सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड, सिंगल डबल इनमें रेजोनेंस होना जरूरी है। ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमने रेजोनेंस शो करनी करनी है, क्योंकि इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड छाया है ऊपर नीचे, वो इतना न्यूक्लियस के पास नहीं होता। हाँ, ये डबल सिंगल होते हैं, ये डबल इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे। समझ आ रही है? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम या डबल सिंगल का अकेला नहीं है, डबल सिंगल लोन पेयर्स भी हो सकते हैं, जैसे इधर लोन पेयर सिंगल डबल। समझ आ रही है? डबल सिंगल डबल दैट इज कॉन्जुगेटेड। ये रेजोनेंस अनकॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं हो सकती, नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं शो कर सकता। अगर मैं डबल दो सिंगल दिखा दूं फिर डबल दिखा दूं, ऐसे कॉन्जुगेट ऐसा रेजोनेंस नहीं होगा, एक को छोड़ के एक आना जरूरी है। समझ आ रही है? अब ये बेंजीन में ऐसा होगा, जो इलेक्ट्रॉन देंगे, दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल सिंगल, ये डबल है ये सिंगल है और ये लोन पेयर्स हैं। जैसे ये लोन पेयर थे तो आपने अंदर डाले और ये डबल बॉन्ड खुल के इधर चला गया, ये वाला ये ऑक्सीजन मान लो, ये वाला कार्बन मान लो, और ये वाला ये ऑक्सीजन मान लो। समझ आ रही है? अब बेंजीन में कॉन्जुगेशन ज्यादा है, जितनी कॉन्जुगेशन होगी उतने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनेंगे, उतने रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स आप बनाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? और इनका बीच वाला होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? इन सबका मिक्सचर, तो हम सर्कल दिखा देते हैं बीच में, वो मैं बाद में लूंगी। ठीक है, गॉट इट? अब ये इनसाइड जाएगा और ये क्या आएगा? क्या बैलेंसिंग हो जाती है? क्या चार्ज की बैलेंसिंग करनी है? इलेक्ट्रॉन उन्होंने कोई बाहर से तो लिए नहीं है, वो ही बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं कॉन्जुगेशन में। आपके सिर पे दो ईटे हैं, फिर इसके पास, इसके सिर पे, इसके पास नहीं है, उसके पास फिर दो ईटे हैं, फिर उसके पास नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए ये इसको पहुंचा रहा है, ये इसको पहुंचा रहा है, वो ईटें सर्कुलेट हो रही हैं, बाहर से तो नहीं गई के लिए। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जो अनशेयर्ड है, या पाई इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे के पास, और ये मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। जब रेजोनेंस चलती रहती है, मैंने उस दिन भी बोला, जब रेजोनेंस चलती रहती है तब स्टेबिलिटी बढ़ती है, थोड़ी देर के लिए भार कम होता है, और जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होते हैं तो सिस्टम वर्क कर रहा होता है, तो एनर्जी सिस्टम की लो होती है, सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो रेजोनेंस से कोई मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। जितने कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। ऊर्जा तो फिर से हमें ये ही मिल गया, बस पहले बॉन्ड ऐसे थे अब बॉन्ड ऐसे लग गए। अब इन दोनों ग्रुप्स ने क्या किया? मेन ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दिए,
दिए ना, तो ये क्या थे, प्लस आर वाले। जब इलेक्ट्रॉन देते हैं बनाओ बेटे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 12th तक नहीं बनाने आते बच्चों को, और जिनको नहीं आते उनसे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं होते। हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते रहेंगे, हम मेटा डायरेक्टिंग बोलते रहोगे, आप चुप बैठे रहोगे, इसलिए बना लो। हाँ तो तीन बॉन्ड बन गए ना, फिर से सिंगल बॉन्ड फिर से हो गया, ये अंदर गया सिंगल बॉन्ड। अभी ऐसे होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे चलता रहता। हाँ बस इनका अगर ऐसे अरेंज थे, अब ये ऐसे अरेंज है। ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर हैं, ये दोनों इन सबसे स्टेबल है। ये स्टेबल कम स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है वो सबसे स्टेबल। उसके बाद वो स्ट्रक्चर स्टेबल जिसमें चार्ज सेपरेशन ऐसे हो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, इलेक्ट्रो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, वो स्टेबल। उसके बाद वो स्टेबल जिसके ऊपर नेगेटिव के पास पॉजिटिव है, तो कहेंगे अनस्टेबल ही एक तरह का। जैसे कि ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल लाइक नहीं करती अपने ऊपर। गॉट इट? ओके, ये हो गए प्लस आर वाले। अब माइनस आर वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, देते नहीं है खींचते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ। अब है माइनस आर। अगर मैं एक स्ट्रेट चेन पे दिखाऊं आपको, ये क्या हो गया, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, अगर ये स्ट्रेट चेन पे देखो पहले, फिर इसको ही बेंजीन पे देखेंगे। ये एलडीएडी ग्रुप लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड का सिस्टम बन गया, इसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ये इस तरफ शिफ्ट होगा और ये इस तरफ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, सी एच टू सिंगल सी एच डबल बॉन्ड। अब इससे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अब ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबल है क्योंकि इस पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसके ऊपर चार्ज सेपरेशन है। हाँ ये लोन पेयर बन गया, तभी तो नेगेटिव आया ऊपर। हाँ टू ए वन पॉजिटिव है बेटे, एक तो इनका खुद का ही इलेक्ट्रॉन होता है भाई, क्यों कंफ्यूज होते हो। अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस बॉन्ड का एक तो इसका ही खुद का ही है, एक दूसरे का है। उसने अगर दिया है तो खुद का ही एक दिया है, दूसरे का तो नहीं दिया, तो एक ही पॉजिटिव चार्ज आना है। दो होते हैं, एक अपने होते हैं एक दूसरे के होते हैं भाई। मैं थप्पड़, ये डबल बॉन्ड में इधर इस कार्बन का एक था, ये इस कार्बन का एक था। एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार, तो एक एक यहां शेयर हो गया। आगे समझ, शुक्र।
समझ आ गई, चले आगे। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब इसी को ही अगर हम बेंजीन के ऊपर लगा दें, बेटे वाई आपकी बुक्स में इतनी जल्दी बेंजीन के ऊपर लग के नहीं मिले, मगर आपने 11th में बेंजीन पढ़नी है, एरोमेटिक कंपाउंड, 12th में तो पता नहीं क्या कुछ करना है, ये पहले आने चाहिए आपको। समझ आ रही है? ये पहले आने चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर बनाना सीखो इनके। एरोमेटिक है ये वाला, बेंजीन वाला एरोमेटिक, जो सीधा होता है वो एलिसाइक्लिक होता है। अब ये मैंने क्या बनाया, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे, बेंजाल्डिहाइड। बनाओ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाओगे तभी कुछ आएगा। अब ये माइनस आर वाले, ये माइनस आर वाले क्यों है, देखो ध्यान से, जो पहले स्ट्रक्चर उसके साथ आपको मैं कंपेयर करके बताती हूँ। ये देखो, ये स्ट्रक्चर किया था हमने, ये किया था, इसमें ये जो कार्बन थी इसके साथ जो डायरेक्टली अटैच एटम था उसके पास लोन पेयर था, दिख रहा है आपको, इसके पास जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसके पास लोन पेयर है, नो, उसके बाद वाले एटम के पास, डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर नहीं है देने के लिए। टू रिमेम्बर इट, सिर्फ प्लस आर वो दिखाएंगे जिनके पास डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर हो। एक मिथाइल को छोड़ के बाकी सारे ऐसे दिखाएंगे। अब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन से खींचेंगे, पाई वाले, पाई वाले, तो ये आपको पाई बॉन्ड नजर आ रहे। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहां जाएगा, गया यहां पे, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी बन गई, 1 2 3 4। अब हम इसको आगे शिफ्ट, और ये एक्स्ट्रा बन गया, ये एक्स्ट्रा बन गया, 5 हो जाएगी, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये बेटे ग्रुप याद करने पड़ेंगे, ये प्लस आर है, ये माइनस आर है। बना रहे, ठीक है। अब ये कैसे बना, ये देखो, ये वैसे का वैसे है, ये भी वैसे का वैसे है, ये वाला बॉन्ड हमारा चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पहले यहाँ पे 4 2 लोन पेयर थे, अब यहाँ पे 6 हो गए, और ये क्या है, हाइड्रोजन। देखो, जब आपके प्लस आर वाले लगे थे तब इस पोजीशन पे, ध्यान से देखो, इस पोजीशन पे और वो वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया था। अब जब माइनस आर वाले लगे होंगे, इन्हीं पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पोजीशन को कहा जाता है बेटे राइट डाउन ऑर्थो। कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगाओ, ये फंक्शनल ग्रुप है, बेंजीन अकेली थी, अब हमने ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया एल्डिहाइड, क्या लगा दिया, तो एल्डिहाइड के कोरस्पोंडेंस ये जो पोजीशन है, ठीक है, 1 2 पोजीशन, इसे कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं, ऑर्थो। वैसे ये भी ऑर्थो बोल लेंगे, ठीक है। इस पोजीशन को कहते हैं 1 2 3, 1 2
थ्री थर्ड पोजीशन है, इसे कहते हैं मेटा, तो इसे भी कहेंगे मेटा। और ये वन टू थ्री फोर्थ पोजीशन जो है इसे बोलेंगे पैरा। ठीक है, जब आप फंक्शनल ग्रुप लगा देते हो उसके बाद उसके रिलेट करते हो तो द पोजीशन विल बी ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। अब आप ध्यान से यह बात समझो, मेटा को कभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आर इफेक्ट। अगर हमने इलेक्ट्रॉन दिए क्या मेटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया? देखो ध्यान से, पहले स्ट्रक्चर बनाए थे, क्या मेटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था? वैसे ही मेटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं आएगा। जब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो मेटा के ऊपर पॉजिटिव भी नहीं आएगा। अभी तक मैंने ऑर्थो के ऊपर पॉजिटिव बनाया, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। और ये ऐसे ही रहेंगे। स्ट्रक्चर बनाओ तो अभी आपकी प्रैक्टिस होगी, मैंने नहीं बनाने आपकी नोटबुक्स पे, बनाओ खुद, रिंग ही नहीं बनेगी आपसे जल्दी। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, अब ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से देगा। ये क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आ जाएगा? अब ये अपने इलेक्ट्रॉन जैसे गए थे वैसे फिर से हो जाएंगे। तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे आया? नहीं आया। जब प्लस आर वाले थे तब भी ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया था, माइनस आर वाले हैं तब भी ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटा पे कभी कोई चार्ज नहीं आता। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे कभी भी कोई चार्ज नहीं आता, ये बात हमेशा याद रखनी है। गॉट इट? सो जो माइनस आर वाले हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, प्लस आर वाले इलेक्ट्रॉन देंगे। ओके, चले आगे। अब आ जाओ हाइपर कॉन्जुगेशन पे। बेटे धीरे धीरे होगा, अभी जब आप बेंजीन करोगे ना तब आपको अपने आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। आपका अभी ये है कि आप नर्सरी में फर्स्ट क्लास में बैठे हो, फर्स्ट पीरियड है, तो स्टार्टिंग में बच्चों को एक ही लाइन ही नहीं बनानी आती, वो कंडीशन है। तो जब आप ए वन मंथ हो जाएगा ना ऑर्गेनिक पढ़ते हो, ये कुछ नहीं लगेगा, आप ये चीजें आप ऐसे ही करोगे। फिर देखो केमिस्ट्री इज अ फ्रेंड, अगर आप उसको समझ के करोगे, अदरवाइज ये बहुत बड़ी एनिमी अगर ना समझ आए तो। नहीं देगी। अब आ जाओ बेटे हाइपर कॉन्जुगेशन।
देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। मींस आपको नो बॉन्ड रेजोनेंस से पता चल गया कि इसमें भी रेजोनेंस होनी है। अगर मैंने नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला है तो ये रेजोनेंस की सिस्टर ही है, मींस इसमें भी कहीं डीलोकलाइजेशन है। अब इसमें कैसे डीलोकलाइजेशन है? इसमें डीलोकलाइजेशन होती है, विद एग्जांपल समझो फिर आपको डेफिनेशन समझ आती है। आपको समझ कंसेप्ट जरूरी है पहले, ठीक है? मान लो दिस इज एन एल्काइल ग्रुप, अटैच टू अ अनसैचुरेटेड सिस्टम। ये मैंने क्या बनाई? प्रोपीन। ये मैंने क्या बनाई? प्रोपीन। ये एक फंक्शनल ग्रुप यहां से स्टार्ट हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप की सात वाली कार्बन होती है अल्फा कार्बन, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप की सात वाली कार्बन क्या होती है बेटे जी? अल्फा कार्बन। इसमें डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की। कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? ये जो एल्काइल ग्रुप है, दिस इज एल्काइल ग्रुप, अटैच डायरेक्टली टू अनसेचुरेटेड ग्रुप और अ ग्रुप विच हैव एक्स्ट्रा पी इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एल्काइल ग्रुप एंड द ग्रुप विच इज अनसेचुरेटेड, मीन्स विच हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सो देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन में डीलोकलाइजेशन कैसे होती है? ये पाई है बेटे, आपने ऐसे नहीं जस्ट समझो फिर आप बनाएंगे हम आगे। पाई ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना पाई। ये जो हाइड्रोजन है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये है ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ ओवरलैप हो जाते हैं। मींस ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, ये यहां शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? ये बॉन्ड कैसे बने हुए हैं, ये देखो ऐसे बने हुए हैं। यहां पे टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन है, है? यहां पे टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हाइड्रोजन, यहां पे टू इलेक्ट्रॉन्स है और ये हाइड्रोजन, ऐसे ही है, ठीक? अब ये वाला क्लाउड है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो क्लाउड ही, समझ आ रही है? जब पाई सिस्टम हो या यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, इवन यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो, तो अब इनमें डीलोकलाइजेशन होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती थी, रेजोनेंस में पाई थी, इसमें किसकी है? सिग्मा की, पाई के साथ या सिग्मा के पी ऑर्बिटल में। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे, अब इनके ऑर्बिटल में आने शुरू हुए, और ये जो जब ये शिफ्ट हुए तो यहां पे क्या था? डबल बॉन्ड था, आगे नहीं, ये आगे शिफ्ट हो जाता। तो अब क्या हुआ, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन में कोई बॉन्ड रहा? नहीं रहा, देयर इज नो बॉन्ड। मतलब कॉन्जुगेशन का भी हाइपर है ये, कॉन्जुगेशन को तोड़ते हुए जो रेजोनेंस थी वो कॉन्जुगेशन के कारण थी, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, समझ आ रही है? यह नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसमें सिग्मा बॉन्ड ये जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आया है? सिंगल बॉन्ड। और उतनी देर तक जब तक, जस्ट
1 मिनट, जब तक यहां बॉन्ड नहीं है यहां पे क्या आया? डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या आया? देन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देन यहां पे एच नहीं आएगा। ठीक है, देन नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे कोई बॉन्ड है तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। एच वही, क्यों? क्योंकि जो इसका यहां पे क्लाउड है, यहां पे डबल बॉन्ड है ना, इस हाइड्रोजन को क्लाउड पकड़ेगा। बॉन्ड एज सच ओवरलैपिंग से नहीं है, पर इस हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्लाउड इसको पकड़ेगा थोड़ी देर के लिए। गॉट इट? दिस इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन।